आज की वीडियो, ये जो आप स्टेबलाइजर देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर रहे थे तो पार्ट टू कब आएगी, तो आज की वीडियो पार्ट टू ही रहने वाली है। तो मेरे पास 1 KV उपलब्ध नहीं था, तो मेरे पास ये 3 KV का स्टेबलाइजर है, तो मैं इसी पर आप लोग को मैं समझा दूंगा जो आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखा आप ये इंटरनल देख रहे हैं इसका, तो इसका ये ट्रांसफार्मर है 3 KV का स्टेबलाइजर। तो मैं आज आपको बताता हूँ इसमें ये कैसे वर्किंग करती है, इसका फुली वर्किंग कैसा है। तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग के लिए मैं ये वीडियो मेहनत करके रोज़ाना अपलोड किया करता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं भी नई नई वीडियो रोज़ाना अपलोड किया करूँगा, तो आप लोग के लिए भी सुविधा में अच्छी रहेगी। तो आप लोग ये देखें, तो इसका ये इंटरनल देखें, ये ट्रांसफार्मर है 3 KV के स्टेबलाइजर है। तो इसका ये ट्रांसफार्मर बहुत ही बड़ा है, ट्रांसफार्मर का साइज़ होगा 7 नंबर में कोड में बना हुआ है, ये आप ध्यान दें 7 नंबर कोड में ये बना हुआ है। तो साइज़ इसकी इंच होगी 3 इंच की, ये ट्रांसफार्मर है। इसकी स्ट्रैक देखेंगे आप, ये 3 इंच है, तो ये 3 इंच में बनी हुई है। तो आप लोग कमेंट करें, तो इसकी आप लोग को डाटा शीट चाहिए ये ट्रांसफार्मर की, ये कितना टर्न लगेगा प्राइमरी में सेकेंडरी में, तो आप लोग ध्यान दें। अब टर्न कैलकुलेट करने भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, तो आप लोग कमेंट करें तो वहां से मैं आप लोग को इसकी ये डाटा शीट दे दूंगा। ये देख रहे हैं आप, तो इसमें आप देखेंगे इसकी वर्किंग कैसी है, मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं इसकी कौन सी पिन पर ये रिले देख रहे हैं, तो रिले में कैसे कनेक्शन हुई हुई है, तो ये समझाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो वीडियो में दिक्कत आ रही है कि ये मेरा ये छज्जी पर रखा हुआ था, ये आप देख लें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था, तो ये मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग के लिए मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ, तो कमेंट तो आप लोग कर देते हैं पार्ट टू बनाए, पार्ट टू बनाए, तो ये आज की वीडियो पार्ट टू रहने वाली है। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो आप ध्यान दें तो पार्ट थर्ड भी इसकी मैं अपलोड कर दूँगा। पार्ट टू में तो ये मुकम्मल नहीं हो पाएगी, तो पार्ट थर्ड मैं जल्द इसकी अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग ध्यान दें। तो ये ट्रांसफार्मर से 5 वायर निकलती है, ये ध्यान दें 5 वायर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो कि रिले के NC या NO पर कनेक्ट होती है, रिले के NC या NO पर कनेक्ट होती है। तो ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सी NC है कौन सी NO है, तो मैं पार्ट थर्ड में ये बता दूंगा ये कनेक्शन कैसी होती है। तो इसमें एक सर्किट भी यूज़ होती है जो कि इसको ऑपरेट करवाएगा। तो सर्किट के लिए ये मेरे पास सर्किट है, ये देख लें ये इसकी सर्किट है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक सर्किट है, ये ध्यान दें आप, ये फुल्ली ऑटोमेटिक सर्किट है। तो माइक्रो कंट्रोलर बेस पर है, तो कुछ लोग ये भी करते हैं, तो ये डायरेक्ट IC पर ये वर्किंग करता है माइक्रो कंट्रोलर बेस, ये सर्किट यूज हुई है। तो मैं सर्किट को निकाल कर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें अभी लाइन इन इनपुट दिया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट थर्ड में इसको मैं समझा दूँ ये कौन सी लगेगी, आप लोग को कहाँ से ये डिलीवर होगी। तो पार्ट थर्ड के वीडियो का इंतज़ार करें, तो मैं पार्ट थर्ड में ये बता दूंगा। तो वीडियो के ये देख रहे हैं वीडियो में, तो ये रिले इसमें 4 यूज़ हुआ हुआ है, तो नॉर्मल में 3 ही रिले यूज़ करके इसको वर्किंग करवाई जाती है। तो 4 रिले लगी हुई है, तो एक रिले इसमें एक्स्ट्रा लगी हुई है। एक रिले की वर्किंग ये है कि एक टाइमर के लिए और हाई कट के लिए, ये दिखा दें मैं आपको रिले की, दिखा देता हूँ ये रिले है टाइमर और हाई कट के लिए, ये भी ध्यान दें। और 3 रिले इसमें ये ट्रांसफार्मर को ऑन या ऑफ करवाता है। तो ये कैसे वर्किंग करवाता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वोल्टेज जैसे ही लो होती है तो ये रिले ऑपरेट होती है, एक रिले ऑन होगी तो एक रिले ऑफ होगी, ये भी ध्यान दें। तो ये गारंटी नहीं कि सभी रिले इसकी ऑपरेट रहेगी, कोई एक रिले ऑन रहेगा तो एक रिले ऑफ रहेगा, फिर ये रिले ऑन होगी तो ये रिले ऑफ हो जाएगी। तो इसी तरह इसका वर्किंग है। तो इसकी डायग्राम कैसी है तो पार्ट थर्ड में मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसमें एक फीडबैक भी यूज़ होता है, तो एक नॉर्मल में ये भी होता है कि ट्रांसफार्मर अलग से लगा के इस सर्किट को फीडबैक दी जाती है। तो फीडबैक के लिए इसमें इसी से टर्न मार के इसमें 14 या 15 वोल्ट फीडबैक निकाला गया है, जो कि इस सर्किट को ऑन करवाएगा। ये सर्किट देख रहे हैं आप, ये सर्किट को ऑन करवाएगा 14 वोल्ट देंगे तो इसमें
तो माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट को ऑपरेट होती है, तो 5 वोल्ट के लिए 78.05 एक सर्किट में लगा रहता है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में डिलीवर करके माइक्रो कंट्रोलर को ये डिलीवर करेगा, तो ये आपका स्टेबलाइजर ऑन हो जाएगा। तो स्टेबलाइजर में आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर यूज़ होती है रिले को ऑन या ऑफ करवाने के लिए। तो ट्रांजिस्टर का मेरे पास नंबर नहीं है, तो वो भी पार्ट थर्ड में मैं आप लोग को दे दूंगा। तो ये देखें आप, मैं वोल्टेज वगैरह आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इनपुट या आउटपुट। मेरे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को आपको एसी रेंज पर कर लेना है। ये मैंने एसी रेंज पर कर लिया। तो एसी रेंज पर करने के बाद आपको इसको वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने में कुछ दिक्कत आएगी, ये देखें आप मल्टीमीटर पर ध्यान दें। तो न्यूट्रल मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता हूँ, ये भी ध्यान दें। न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ से जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो हमको ये बताता है कि ये कितना वोल्ट आ रहा है, ये स्टेबलाइजर कितना वोल्ट आउटपुट डिलीवर कर रहा है। तो देखें वोल्ट मीटर में एक न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो एक पॉइंट मेरे हाथ में है, ये पॉइंट, तो मैं आपको वोल्टेज चेक कर दिखा देता हूँ कौन सी पॉइंट पर कितनी वोल्टेज है। तो इनपुट ये MCB पर आई हुई है डायरेक्ट, ये देखें वहाँ देखें आप 260 वोल्ट ये लाइन इन आई हुई है जो कि डायरेक्ट मेन लाइन इनपुट है इसमें। तो ये स्टेबलाइजर कितने वोल्ट आउटपुट निकाल लिए वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो स्टेबलाइजर के आउटपुट के लिए रिले के आप यहाँ पर देखेंगे, ये टाइमर वाला जो रिले देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप लगाएंगे येलो वायर पर। अब मल्टीमीटर पर ध्यान दें आप, 220 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है, ये स्टेबलाइजर 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट कितनी आ रही थी, वो 260 आ रही थी, तो ये स्टेबलाइजर उसको स्टेबलाइज करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आप लोग को घर में डिलीवर करेगा। तो इसीलिए स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं हम लोग। ये वोल्टेज गार्ड होती है, ये भी ध्यान दें आप। तो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो इसमें हेवी ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ हुआ है। तो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर का ये रहा जो कि डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट है, ये न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट है, जो आपके मेन लाइन जो घर में आती है वहाँ से ये कनेक्ट है, ये भी देख लें आप। तो ये देखें यहाँ पर भी इनपुट आ रही है, वो देखें आप मल्टीमीटर पर, ये इनपुट 260 वोल्ट है, ये भी ध्यान दें आप। तो ये MCB का वर्किंग क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो MCB का वर्किंग ये है कि अगर आप माने ये ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत होती है, तो ये ट्रांसफार्मर मेरा जल जाता है, तो ये MCB क्या करेगा कि आप लोग को वोल्टेज को ट्रिप करवा देगा, ये भी ध्यान दें। ये जैसे ट्रिप होगी आपकी मेन लाइन कट हो जाएगी। तो इसमें एक और फीचर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये वोल्टेज हाई आती है तो ये यहाँ पर एक बजर लगा हुआ है, ये बजर देख लें आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक प्रीसेट के बगल में ये मेरा बजर लगा हुआ, तो बजर जैसे वोल्टेज हाई होती है तो ये बजर बोलेगा, हाई कट होगी तो तब भी बोलेगा, लो कट होगी तो तब भी बोलेगा, ये भी आप ध्यान दें। इसलिए इसमें बजर यूज़ हुई हुई है, लो कट हाई कट होने पर ये बोलता है, ये ध्यान दें आप। तो इसके ट्रांसफार्मर की कौन सी वायर कहाँ पर जाती है वो भी मैं पार्ट थर्ड में अपलोड करके आप लोग को दे दूँगा, तो आप लोग के लिए सुविधा के लिए ये सही रहेगी। तो पार्ट वन में आप देखेंगे 1 kV स्टेबलाइजर मैंने यूज़ किया हूँ, तो ये पार्ट टू में ये 3 kV स्टेबलाइजर है। तो मेरे पास 1 kV उपलब्ध नहीं था, तो मैं ये 3 kV उपलब्ध था, तो मैं इसी पर वीडियो बना लिया हूँ आप लोग को समझाने के लिए, मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। आप ये देखें मेरे पास ये 3 kV स्टेबलाइजर उपलब्ध है। तो 1 kV और 3 kV में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं समझाता हूँ। 1 kV में आप देखेंगे तो रिले के साथ ही उसमें किट सर्किट यूज़ होता है, तो इसमें रिले अलग लगी हुई है, तो इस पर वर्किंग लोड ज़्यादा है, इसलिए इसमें हाई रिले लगाई गई है, हाई एम्पियर की रिले यूज़ हुई हुई है। तो आप 1 kV स्टेबलाइजर में देखेंगे तो उसमें कम एम्पियर की रिले यूज़ हुई हुई है, बस फर्क यही है और कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, ये भी ध्यान दे दें आप। तो रिले के लिए इसमें ट्रांजिस्टर हाई वाला यूज़ हुआ हुआ है, तो उसमें थोड़ा नॉर्मल यूज़ हुआ हुआ है, ये भी ध्यान दें। दोनों की वर्किंग सेम है, बस इसमें फ़र्क ये कि हाई रिले और उसमें लो रिले लगी हुई है, ये भी ध्यान दे दें आप। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको खुल के बता देता हूँ, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, ये बस यही है कि इसमें हाई रिले है और 1 kV में नॉर्मल रिले यूज़ करके उसको यूज़ करवाई जाती है। तो इसकी सर्किट डायग्राम कैसे है वो मैं पार्ट थर्ड में अपलोड कर दूंगा।
तो वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो भाई के लिए सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए मैं ये नई नई वीडियो अपलोड किया करता हूँ भाई, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो आप लोग ध्यान दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। वीडियो का पार्ट टू रहा तो पार्ट थर्ड मैं जल्द ही अपलोड करके आप लोग को दे दूंगा, ये भी ध्यान दे ले आप लोग। तो इसमें फीडबैक कहाँ से आई हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फीडबैक को आप नज़र नहीं आ रहा होगा, तो फीडबैक यहाँ से आ रही है, ट्रांसफार्मर के नीचे वाले पॉइंट से आ रही है, जो कि 14 वोल्ट है ये फीडबैक, 14 से 15 वोल्ट है ये फीडबैक, ये भी देख लें आप, यहाँ से फीडबैक आई हुई है। तो फीडबैक की वायर नॉर्मल ही यूज़ हुई हुई है, तो इसमें हाई एम्पीयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रिले को ऑन या ऑफ़ करवाया जाता है, बस यही फीडबैक का वर्किंग है, और इसमें कुछ भी इसमें इसका वर्किंग नहीं है, रिले को ऑन या ऑफ़ करवाता है बस, इसका वर्किंग ये है, और माइक्रो कंट्रोलर इस सर्किट में जो यूज़ हुई हुई है उसको ऑन ऑफ करवाएगा बस, इस फीडबैक का इसी तरह वर्किंग है। तो अलग से ट्रांसफार्मर ना लगाएं, तो इसी से अप टर्न मार के फीडबैक यूज़ कर लें। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।